हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सत्रपन सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्रपन सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल सत्रपन सिंह में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर सीख कबाब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर सीख कबाब को। ये मेरे पास लाल मिर्ची और हरी मिर्ची है, इसको मैं चॉप कर लूँगा। और ये पनीर जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, ये बॉयल आलू, ये हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दी मैंने, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची दोनों ही, ये धनिया, नमक, ये वाइट पेपर, थोड़ी इलायची पाउडर इसके अंदर डाल दिया मैंने, हल्का सा गरम मसाला। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये सब चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसके बाद में इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड कर लूँगा। और ये बिल्कुल तैयार सरिया में लगाने के लिए, अब तंदूर में जाएगा ये, अब रोस्ट करने के लिए। और इसे हल्के हल्के हाथों से पानी लगा लगा करके इसके सीख बना लेंगे इसको। यह बढ़िया सा बन चुका है, एक साइज सब तरफ से बन गया। और अब इसे लास्ट में हल्का पानी लगा के इसको फिनिशिंग कर लेंगे सरिया में। ये देखो, ये एक जैसा सेप हो चुका है सब तरफ से। यह अब ग्रिल हो चुका है, इसे आगे से काट लेना चाहिए हमेशा, ताकि वहाँ पे कभी अटक जाएगा, टूट जाएगा सीख। और इसे हल्के हाथों से पकड़ के निकाल लेंगे। और इसको मैं तीन भागों में काट लूँगा और बटर इसके ऊपर लगा दूँगा। ये मैंने बटर लगा लिया। बारी है प्लेटिंग की, और प्लेटिंग के लिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट सॉस बीटरूट। ये स्पेशल लिया और इसे इस तरह से कर लेंगे। एक गोभी मटर की सॉस है, अच्छी सी चटपटी बना रखे से। और गार्निश के लिए इसके ऊपर हरा धनिया, ये फ्लावर, पिंक जैस्मिन फ्लावर है ये, और ये बिल्कुल तैयार सर्व के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरा पनीर सीख कबाब अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये पनीर सीख कबाब आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो प्लीज़ मुझे इंतजार रहता है आपके लाइक और कमेंट का। कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि इसे और इम्प्रूव कैसे करें, और कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे।
तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।